हेलो, वाओ, कैसा लग रहा है भाई ये पिकनिक प्लेस देखने के बाद? आई थिंक वर्स सम एक्सीलेंट व्यूज, बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया। तो व्यूअर्स, ये ब्यूटीफुल पिकनिक प्लेस कौन कौन देखा है? और अगर आपको पता है ये पिकनिक प्लेस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा क्या नाम है इस प्लेस का। ओके, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बोल दूंगा कौन सा जगह है ये पिकनिक प्लेस, कौन सा जगह पे है, कहाँ पे है, ऑलरेडी सब कुछ मैं बोल दूंगा। ओके, इस जगह पे जाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे जो लेक है, ये लेक देखने में काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इस लेक में बहुत ज़्यादा फिश है। तो व्यूअर्स, इस पिकनिक प्लेस में सबसे देखने वाली बात है कि इस लेक में जो बोट दिखाया जा रहा है आप लोगों को, बोट, ये बोट जब भी चलाया जाता है, स्पीड से जब भी चलाया जाता है, बोट के पीछे की तरफ पे मछली जाम लगाते रहते हैं। ये सब मछली को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे बढ़िया सा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग इस प्लेस पे नहीं आए तो ज़रूर आना, मज़ा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने खुद देखा है यहाँ पे। ओके, तो इस प्लेस का नाम है बालेखंदी टी गार्डन एंड सरसपुर टी गार्डन भी बोल सकते हो। अगर आप लोग सिलचर या करीमगंज से अगर आप जाना चाहते हो तो हाइलाकंदी मेन टाउन मिलने से पहले जो बाईपास है, राइट तरफ जो रोड जाता है, उसी बाईपास से ही होते हुए आप लोगों को जाना पड़ेगा बालेखंदी टी गार्डन पे। ओके, तो बढ़िया सा प्लेस, पिकनिक प्लेस। ओके भाई, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।